हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.4 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ देखिए, प्रॉब्लम दी हुई है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि एक टू डिजिट नंबर है, तो उसके दोनों डिजिट के सम दिए हुए हैं, और दूसरा एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जो नंबर है उसका 9 times जो है, और अगर नंबर हम रिवर्स करते हैं तो उसके 2 times के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो नंबर हमें फाइंड करने हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए पहले हमें इक्वेशन फ्रेम करने पड़ेंगे गिवन कंडीशंस के बेसिस पे। तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर पी, चलिए लेट द टेंस डिजिट एंड यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस एंड द यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए, अगर यूनिट प्लेस हमारा एक्स है, यूनिट प्लेस वाई है और टेंस प्लेस एक्स है, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर इज 10 टाइम्स टेंस प्लेस प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। अगर हम इसके डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ये हो जाएगी आपको, यूनिट प्लेस पर जो है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी, तो 10y + x। ठीक है, अब देखिए गिवन कंडीशंस जो है उसके बेसिस पर हम इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस गिवन कंडीशंस जो है, तो इसमें क्या है कि आपका दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, चलिए इसे ऊपर मूव कर लेते हैं थोड़ा। दूसरी कंडीशन है आपको कि जो नंबर है उसका 9 टाइम्स और रिवर्स डिजिट करने के बाद जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसका 2 टाइम्स, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो 9 × 10x + y = 2 × 10y + x। चलिए इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 90x + 9y = 20y + 2x। तो यहां से मिल गया हमें 88x - 11y = 0, और 11 अगर कॉमन लेके हम डिवाइड कर देंगे राइट दोनों साइड, तो 8x - y = 0। ठीक है, तो ये दो हमारे इक्वेशंस हो गए जो कि फ्रेम करने थे हमें। अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 2, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, यहाँ पर हम y को एलिमिनेट कर देंगे, y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस 1 और 2 में इक्वल है, ओनली साइन का डिफरेंस है, तो अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो y एलिमिनेट हो जाएगा और x के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशंस 1 और 2, इक्वेशंस 1 और 2 क्या मिलेगा हमें, 9x =
9, तो यहां से x की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट कितना है, 1 प्लस y इक्वल टू 9, ठीक है। तो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 8, ठीक है। और हमें नंबर फाइंड करने थे, तो नंबर क्या हो जाएगा, x आपका टेंस प्लेस पे और यूनिट्स प्लेस पे y, ठीक है। हेंस द नंबर इज 18, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।